मनोरंजन जगत की कुछ अदाकाराएं ऐसी होती हैं जो अपनी बोल्ड अदाओं से फैंस का दिल घायल करती रहती हैं। उनकी एक हसीन झलक पाने के लिए लोग घायल रहते हैं। एक हसीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जो टॉपलेस होकर कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। जी हाँ, अपनी तस्वीरें खिंचवाई, यह फोटोज देखकर उनके फैंस मदहोश हो रहे हैं। तो अगर आप भी उन अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने हाल ही में बेहद हॉट फोटो शेयर की है। इन फोटोज में उनका ग्लैमरस अंदाज देख हर कोई हैरान है। उन्होंने बालकनी में खड़े होकर टॉपलेस फोटोशूट करवाया है। आपको बता दें, साल 2007 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस ईशा गुप्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दोस्तों, ईशा अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में छाई रहती है। सोशल मीडिया पर ईशा की तस्वीरें खूब सनसनी मचाती हैं। ईशा ने जन्नत 2 फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था, उसके बाद वे फिल्म राज 3 में नजर आई थी। ईशा के बोल्ड अवतार को देखकर महेश भट्ट ने तो उन्हें हिंदुस्तान की एंजेलिना जोली की उपाधि भी दी थी। आज ईशा की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें खूब सुनाया भी जाता था। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं बॉलीवुड में आई थी, उस वक्त बॉलीवुड में कुछ स्टार्स जिनके सामने मैंने काम तक नहीं किया था, उन्होंने मेरा खूब मजाक बनाया है। लेकिन दोस्तों, ईशा ने इन सभी चीज़ों को इग्नोर किया और वो अपने काम पर मेहनत करती रहीं, और आज वो सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक हैं। अब इनके वर्क फ्रंट की बात करें तो ईशा गुप्ता टीवी सीरीज नकाब का हिस्सा बनी है। इसमें मल्लिका शेरावत भी उनके साथ नजर आई थी। ईशा इस सीरीज में पुलिसकर्मी का रोल निभा रही थी। दोस्तों, ईशा की इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।